एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में मकर संक्रांति पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व में बाहरी जनपदों से जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है उनके साथ बैठक की गई है। उन्होंने कहा, मकर संक्रांति पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए मंदिर को 4 जोन तथा 12 सेक्टर में बांटा गया है तथा 3 शिफ्टों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है तथा इससे पहले 12 घंटे की ड्यूटी लगती थी, लेकिन इस वर्ष कोविड नियमों का भी पालन करना है, जिसको देखते हुए इस बार अत्यधिक मात्रा में ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जूते चप्पल रखने की तथा दरी की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु ठंड से बच सके। इस अवसर पर एसपी सिटी सोनम कुमार, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, जगह थाना प्रभारी मनोज कुमार अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये बहुत ही महिला महाविद्यालय है, यहाँ पर बस और टैंकर की बात करते हैं, यहाँ भी मेरा टैंकर लगा हुआ है, बस और टैंकर का यही पार्किंग की बात करें, और ये जो सेकंड फ्लोर पार्किंग दिख रहा है ये पूर्व चढ़ते ही समय लेफ्ट साइड में ये आधे पुलिस साइड का ग्राउंड है, यहाँ से लेकर के पूरा ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल फ्लोर हमारा है, यहाँ ये हमारा इंडस्ट्रियल फ्लोर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी दुर्लभ जो मंदिर के दो नंबर तीन नंबर कैसे प्रवेश करके मंदिर का दर्शन करने चले जाए, गाड़ियों को पार कराने में हम 1.5 घंटा 2 घंटा मंदिर के दर्शन करने वो दर्शन करता है, फिर मेला घूमता है, फिर अपना नाश्ता पानी करता है और उसके बाद फिर जाता है पार्किंग स्थल में, 3 से 4 घंटा लग जाता है उसको, दुर्गा हुआ कनेक्ट है, ये दुर्गा वाणी दिख रहा है जो सरस्वती शिशु मंदिर दिखाई देता है, रेलवे बहुत जो आरोपी है उसके नीचे स्कूल है, ये सहन सागर में पार करेंगे, इसका नाम है लालपात्र शास्त्री जूनियर हाई स्कूल पार्किंग के नाम से, इसके बाद यहाँ से आरोपी को ऊपर सब चढ़ेंगे और ये नीचे उतर जाएंगे। हाँ हाँ उनको दे दिया, उनको जितना सा ये खिचड़ी मेला का पावन पर्व जो है प्रारंभ हो रहा है, इस संदर्भ में जो ड्यूटियां लगाई गई हैं जो बाहर के जनपदों से आई हैं उसके लिए एसएसपी सर द्वारा ब्रीफ किया गया, इसमें एसपी ट्रैफिक और इसके अतिरिक्त एसपी मंदिर सुरक्षा, एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ गोरखनाथ, ये सब मौजूद रहे यहाँ पे और सबको बाहर से जितने भी फोर्स आई सबको ब्रीफ किया गया। इसमें सर कितनी फोर्स लगाई जा रही है? देखिए अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है, टोटल 4 जोन बनाए गए हैं और 12 सेक्टर बनाए गए हैं और ये ड्यूटियाँ जो हैं 3 शिफ्टों में लगाई गई हैं, इस बार हर बार 2 शिफ्ट में लगती थी, इस बार 8-8 घंटे की शिफ्ट है, इसलिए व्यक्ति 8 घंटे कार्य करेगा, बाकी समय जो है क्योंकि कोरोना भी काफ़ी फैल रहा है इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करने के निर्देश दिए गए हैं लोगों को। सर श्रद्धालुओं सुविधा के लिए मंदिर में क्या क्या व्यवस्था? श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ पर, जैसे जूते चप्पल के स्टॉल लगाए गए हैं, इसके अलावा दरी की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि रात्रि में, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु रात्रि में आकर ही खड़े हो जाते हैं तो ऐसे लोगों को ठंड ना लगे, उसकी व्यवस्था पूरी की गई है।